Assalamu alaikum. Today we will solve further questions of MA2 BBP kit question of chapter CBP analysis. Let's start. Question number 13.13. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने 13.12 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आगे हम यहाँ से स्टार्टअप लेते हैं. अब लिमिटेड ई लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स अ सिंगल प्रोडक्ट पी. डेटा फॉर द प्रोडक्ट आर एज फॉलो. सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 4. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 2. वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट 1. फिक्स ओवरहेड 5. और प्रॉफिट हमारा आ गया 5 पर यूनिट. व्हाट इज द सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो फॉर प्रोडक्ट पी. सी एस रेशियो मालूम करना है. बहुत सिंपल है. सी एस रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी अपॉन एस इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. अब सेल्स तो मुझे पता है वो है मेरे पास 20. यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100. कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता मुझे. मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल भी तो सकती हूँ. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है 20. माइनस मैं करूंगी इसमें से 4 डायरेक्ट मटेरियल का, 3 डायरेक्ट लेबर का, 2 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट का, और 1 जो मैं लूंगी वो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड. अब बहुत से बच्चों के जहन में आएगा कि मैंने सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट क्यों लिया, इसका क्या ताल्लुक प्रोडक्शन से, और ये क्यों कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त मिस माइनस कर रही है. तो देखो बच्चों, हमेशा ये बात याद रखना, कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो जो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है ऑल वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्लूड प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन. तो हमें तमाम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है. 4 + 3 + 2 + 1 = 10. 20 - 10 मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 10. इस क्वेश्चन मार्क को मैं अब हटा दूंगी. मेरा आंसर अब आ चुका है. टेन डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 50%. इस क्वेश्चन में, अच्छा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या था, उस वाले क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दिया था, तो वो भी मैंने माइनस करवाया था, लेकिन उसने वहां पे हमें वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड भी दिया है. तो बस डिफरेंस क्या है ये बताना चाह रहा है वो, कि कंट्रीब्यूशन में से दोनों कॉस्ट माइनस होते हैं, निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, प्रोडक्शन वाली भी और नॉन प्रोडक्शन वाली भी. क्वेश्चन नंबर 14. डब्ल्यू लिमिटेड सेल्स वन प्रोडक्ट फॉर विच डेटा इज गिवन बिलो. सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6, फिक्स कॉस्ट 2. द फिक्स कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स फॉर द पीरियड. सेलिंग प्राइस है 10, वेरिएबल कॉस्ट है 6, फिक्स कॉस्ट है 2. जो हमारी जो फिक्स कॉस्ट आर बेस्ड ऑन बजटेड लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स. जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो एक एक यूनिट के ऊपर 2 आती है और मैं 5000 यूनिट्स बनाती हूँ.
how many unit must be sold if W Limited wishes to earn a profit of 6,000 for one period? मैंने ये पहले बताया, जहां भी वो आपको प्रॉफिट दे दे तो समझ जाना है वहां पे उसने आपसे टारगेट प्रॉफिट पूछा है. टारगेट प्रॉफिट दे दे तो समझ जाना उसने आपसे टारगेट सेल्स पूछी है. अब ये मालूम हो जाए कि टारगेट सेल्स पूछी है तो फिर देखना है कि उसने आपसे पैसों में पूछी है या यूनिट्स में पूछी है. तो उसने यहाँ पे मुझसे यूनिट्स में पूछी है, हाउ मेनी यूनिट्स. तो टारगेट सेल्स का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. सही. अब फिक्स कॉस्ट कैसे मैं निकालूंगी? फिक्स कॉस्ट एक यूनिट के ऊपर 2 लगती है और मैं पूरे पीरियड में 5,000 यूनिट बनाती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई प्लस टारगेट प्रॉफिट उसने मुझे दिया हुआ है 6,000. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना बहुत आसान है, अब तो याद हो जाना चाहिए. कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इज 10, वेरिएबल कॉस्ट इज 6, कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पास आ गया है 4. टारगेट सेल्स आ जाती हैं यूनिट्स में 10,000 प्लस 6,000 16,000 डिवाइड बाय 4, 4,000 इज द राइट आंसर. मुझे 4,000, इसका मतलब ये है कि मुझे 4,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तब जाके मुझे $6,000 का प्रॉफिट अर्न होगा. 4,000 यूनिट्स की मेरी टारगेट सेल होंगी तब जाके मुझे 6,000 का प्रॉफिट अर्न होगा. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज W लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द पीरियड इफ फिक्स कॉस्ट प्रूफ to be 20% higher than budgeted and the actual activity is as per budget. Okay. वो पूछ रहा है कि W Limited की margin of safety क्या होगी अगर तो उसकी जो fixed cost है वो 20% से higher हो जाए. मतलब कि अभी तो 10,000 है ना, अब वो 20% से higher हो जाए और जो लेकिन जो उसकी activity है वो same ही रहे, 10,000 ही रहे. सॉल्व करके ही पता चलेगा. अच्छा एक और चीज, इसमें जो उसने हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का बोला है ना तो उसने हमें परसेंटेजेस देनी है. अगर हमें नॉर्मल मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होता है तो हम बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करके हम अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं, लेकिन उसने इधर हमें परसेंटेजेस देनी है. तो जब परसेंटेजेस में ऑप्शन है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? अब अगर कभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज में मांगा हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 13.15, बजटेड माइनस ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय बजटेड मल्टीप्लाई बाय 100. यहां मैं बजटेड का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं, अगर सवाल में बजटेड नहीं हो तो मैं अपनी एक्चुअल सेल्स ले लूंगी. अगर बजटेड सेल्स नहीं होंगी तो फिर मैं एक्चुअल सेल्स ले लूंगी. तो अब लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मुझे बजटेड सेल्स तो देनी है तो मुझे एक्चुअल की जरूरत ही नहीं है. अच्छा लेकिन मुझे इस वाले क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं ब्रेक इवन निकाल तो सकती हूँ. ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने मुझे बोला है 13.15 में के 20% से बढ़ानी है तो अभी 10,000 है. 10,000
मुझे मतलब कि अभी उसको 20% से बढ़ाना है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 तो 12,000 आ जाएगा। अभी ये 100% है, मुझे अपनी फिक्स कॉस्ट को 20% बढ़ाना है, तो मैंने मुझे जहां जाना है 120 पे जाना है और मैं अभी 100 पे हूँ, डिवाइड करा के 12,000 आ जाएगा। एक और तरीका ये है कि सिंपल 10,000 का 20% लो तो आता है 2,000, इसको 10,000 में ऐड कर लो तो आ जाएगा 12,000। फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई 12,000, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन तो मैंने पहले ही निकाला हुआ है जो कि है 4, ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3,000 ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैं उसको पुट करूंगी अपने फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला मेरा ये रहा, मेरी जो एक्टिविटी है अब मेरी जो बजटेड एक्टिविटी है वो है 5,000। मैंने अपना ब्रेक इवन निकाला है 3,000, यहाँ पे भी बजटेड बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, जब मैं सॉल्व कर लूंगी इसको तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आ गया मेरे पास 40%, एंड 40% बी इज द राइट आंसर। मैंने बस इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया हुआ हो तो उसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है बजटेड माइनस ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय बजटेड। यहाँ पे हम एक्चुअल एक्टिविटी भी ले सकते हैं और फिर यहाँ पे मुझे ब्रेक इवन मालूम नहीं था, मैंने ब्रेक इवन सबसे पहले निकाला और फिर जब मुझे ब्रेक इवन मालूम हो गया उसको मैंने सिंपली फॉर्मूला के अंदर पुट किया, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। थैंक यू सो मच।